अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद प्यारे आका हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के बाबरकत नाम से वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों को जुम्मतुल मुबारक। हाँ जी, ये बंटू ने शोर डाला हुआ है भाई, अभी मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा क्योंकि सुबह की इसकी वॉक होती है और ये परेशान हुआ है, आज लेट हो गए हैं तो अभी इसको लेके जाते हैं बाहर। और इस साइड पे जो से हैं मुर्गे वो भी इंतज़ार में है हमको भी निकाले, पर सबसे पहले बंटू को बाहर लेके जाएंगे, इसके बाद फिर इनके बारी आएगी। जी, बंटू को बाहर से घुमा के ले आए हैं, अभी इसको बांध दिए, फिर अभी इसका नाश्ता रेडी होता है, फिर इसको नाश्ता डालते हैं। जी, मज़े मज़े से ये खाएगा। वो ये देखें ये क्या कर रहा है, ये नकलें लगा रहा है भाई, मेरी वीडियो क्यों बन रही है। और ये इतना शरीफ है नहीं ये जिस तरह आज बैठा हुआ है। बाय बाय बंटू। जी, सबसे पहले एक फैमिली को निकाला है जी, क्योंकि ये हैं दो तीन फैमिलियाँ, ये आपस में फिर लड़ जाती हैं, तो इनको सबसे पहले अलग निकाल दिया। और ये मेरा खड़ा हुआ रक्षा, और ये निकला है जी एक फैमिली आगे जी। ये है जी दूसरी फैमिली, ये एक दूसरे के इतने दुश्मन हैं कि अगर आमना सामना इनको हो जाए तो ये एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। तो अभी ये दूसरी फैमिली ये अलग से घूम रही है और वो अलग घूम रहे हैं, और ये साथ एक्स्ट्रा एंजॉय कर रहे हैं, कभी उस फैमिली के साथ और कभी इस फैमिली के साथ। ये देखें, ये रात को इनकी रोटियां भिगोई हुई थी और इसमें इनकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें शामिल की हुई थी, बाजरा गन्ना मकई, और ये अशर नशर कर दिया इन्होंने, सारा कुछ नीचे गिराया और कुछ ऊपर सारा। अभी इसमें चूज़े बांधे इनको निकालेंगे, अभी इधर चूज़े हैं उधर पीछे चूज़े हैं, इन सबको वन बाई वन निकालते हैं। और ये इनका रूम है, ये इसमें बंद होते हैं, ये जो इनसे पहने फ्लैक शीट लगी हुई है, इनका सारा राशन है जो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें ये हमने ये एक रखा हुआ कल शाम, ये इनके लिए फीड लेके हुई है, ये भी एक इनकी फीड है। और ये इसमें मतलब किस्म की इसमें वो चीज़ें हैं, और सबसे एंड में बाजरा हो गंदम वो शामिल है। ये अब इसको करते हैं साइड पे, तो ये साइड पे कर दिए। तो अब ये दूसरे चूज़ों वाली मुर्गी को निकालते हैं। ये एक मुर्गी चूज़ों वाली ये बड़े निकाल दिए, इसका नाम मैंने हाथी डाला हुआ है, वो इसलिए इसका नाम हाथी डाला हुआ है कि इसका ये काम के इसके चूज़े थे तकरीबन छः चूज़े थे, ठीक है। एक तो जब अंडे से निकला है तो वो बहुत ही वीक था, वो तो दो दिन बाद मर गया, और बकाया दो जन से चूज़े वो इसने अपने पाँव के नीचे ही दे के मार दिया, फिर मैंने इसका नाम हाथी डाल दिया है। मैंने कहा ये चूज़ों को तो चूंटियाँ समझा हुआ है, जैसे कोई चूज़ा आ जाए इसको नीचे। अभी ये तकरीबन हो गए हैं 10-11 दिन के, तो माशाल्लाह अभी ये ठीक जा रहे हैं, तो खा पी भी ठीक रहे हैं। तो अभी ये है कि ये अगर पाँव वगैरह उठाए भी तो ये नीचे से भाग जाते हैं, क्योंकि ये अभी सियाने हो गया है जी। तो अभी निकालते हैं दूसरी मुर्गी को। ये जी दूसरी फैमिली निकाल दी है जी चूज़ों वाली, ये मुर्गी आ गई जी दूसरी, ये इसके साथ थे जी चार चूज़े। वो बारिश के दिनों में मैंने इनको सुबह नहीं निकाला भाई, बहुत ठंड है, तो ठंड क्या हुई कि जब मैंने शाम को निकाला तो एक चूज़ा जो सा इसके पाँव के नीचे आया तो वो मर गया, वो बड़ा अच्छा वाइट कलर में था। तो अभी इसके साथ भी तीन रह गए, और इसको उससे अलग ही रखा है, वो अलग घूम रही है और ये अलग, क्योंकि ये जो सी है उसके साथ लड़ पड़ती है बच्चों की वजह से, वो समझती है ये भाई मेरे बच्चों को ये मारेगी, वो समझती है मेरे बच्चों को ये मारेगी,
तो जब इनके चूजे निकल आए तो ये फिर अलग अलग ही इनको घुमाना पड़ता है। अभी ये इसमें मिट्टी में खेलेंगे घूमेंगे, तो ये खेलना शुरू कर दिए। तकरीबन घंटा डेढ़ ये इनको निकालेंगे, फिर इनको बंद करके अपने काम पे चल देंगे। उनसे इसमें चूजे बंद किए हुए हैं, ये चूजे अभी निकलते हैं जी। चूजे तो एडवांस में ये कार्टन है उसमें बंद किए हुए होते हैं कि इनको ठंड ना लगे, तो कार्टन से कुछ चूजे एडवांस बाहर निकले हैं। तो अभी ये देखें इनको निकालते हैं जी। सारी फौज ये देखिए 20 मिनट ये रह गए तीन, ये सारे निकल आए बैठे। ये नाश्ता इनका निकलते सारे शुरू हो जाता है और ये अभी नाश्ते में मसरूफ है। पर अभी इनको डालते हैं दाने, ये मैंने इनके रात को रखे हुए थे, ये आ गए तो ये अभी भागते हुए आएंगे। अभी इनको डालते हैं ये, चले जी खाओ जी खाओ। पहले ये खाओ, ओए डैन तुम उधर जाओ, ये इनके सख्त खिलाफ है, ये अगर खा रहे हो तो ये हमला भी कर देती है। तो चलो भाई आप खाओ भाई, शाबाश शाबाश। ये अभी इनको दाने वगैरह डाल के फिर इनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर ये बगैर दाने खाएं एकदम पानी पी ले फिर ये बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इनको दाने खिलाएंगे तब इनको बाहर निकालेंगे। तो ये बड़े बहुत से मल बातें सुन रहे हैं, भैया क्या हो रहा है आगे आगे देख रहे भैया। और ये इधर आ गए, चलो 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 जमसी है वो गई जी पहली वाली फैमिली की तरफ भागती हुई, शाबाश शाबाश शाबाश। क्योंकि दूसरी साइड पे पानी है तो ये पीने लगे थे, इनको इस साइड पे भगा दिया। अभी यहाँ ये खूब इंजॉय करेंगे, कैल्शियम वगैरह अपना यहाँ से चुन के खाएंगे, खेलेंगे मिट्टी में। और ये फैमिली इधर इंजॉय कर रही है, ठीक हो गया जी। और ये शुरू हो गए, इनको यहाँ छोड़ के आप पीछे वापस जाते हैं। ये इधर जी क्या खा रहे हैं, ये रात को यहाँ चावल डाले थे तो वो ये खिला रही है इनको जी चावल। इनके सेहत के लिए जी बहुत अच्छे हैं, और ये साथ खुद भी खा रही है। ये अभी ये सब मजदूर लग गए हैं जी, ये मजदूर इधर काम कर रहे हैं, वो देखें जी वो मजदूर उधर काम कर रहे हैं और वो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं। अभी ये अपने हाथ पाँव जी हरकत में ला रहे हैं, इनकी वर्दिश भी हो रही है और ये अपना कैल्शियम चुन चुन के खा रहे हैं जी, देखेंगे। हाँ जी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि रिजवान अली के चैनल को सब्सक्राइब करें, रिजवान अली की और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बस आपका यही प्यार मोहब्बत चाहिए जी, शुक्रिया। जनाब आप देख रहे होंगे कि इन चूज़ों के साथ इनकी वालदा नहीं है, तो मैं बताता हूँ इनकी जो वालदा है उसने इनको अलहदा कर दी है। जब ये इतने बड़े हो जाते हैं तो ये है कि जिनसे मुर्गी होती है वो चूज़ों को अलहदा कर देती है दोबारा अंडों के लिए, तो इनकी वालदा ने इनको उठा उठा के नीचे मारा है। तो भाई अभी मैं इनसे अलहदगी करना चाहती हूँ, तो फिर उसको अलहदा कर दी है, वो अब चली गई है दोस्त के पास बच्चों के लिए गई है। तो ये जो उनसे थे चूज़े ये तकरीबन मेरे पास 16 थे, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास रह गए हैं 11, जिसमें से एक चूज़े की जो उनकी वो गर्दन आ गई थी पिंजरे के नीचे वो इस तरह मर गया। दो जो उनसे उन्होंने पिया है ठंडा पानी, तो दो इस तरह मर गए हैं, दो जो उनसे हैं वो इनमें से मैंने कर दिए हैं इससे, ठीक है। तो अभी ये रह गए मेरे पास 11, अभी इनकी अच्छी तरह केयर कर रहे हैं ताकि इनमें से एक भी जो उनसे ना मरे, तो आगे अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है।
तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ये अभी इनको लगी है प्यास, इनको तैयार किया है इनका पानी, तो अभी ये पानी पी रहे हैं। तो इनको सबसे आज पहले जल्दी प्यास लग गई है, क्योंकि एक तो मौसम भी चेंज हो गया, गर्मी भी जो उनसे आसा आसा पड़ रही है। तो ये इनको ज़्यादा से पानी पिलाया जाता है। जी जनाब, आज का व्लॉग आपको अच्छा ही लग रहा होगा, और वक्त जो उनसे है वो बेहतरीन उस्ताद है, बहुत कुछ इंसान को सिखा देता है। तो बस ये छोटा भाई समझ के आप हौसला अफजाई कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपका प्यार और मोहब्बत चाहिए, और आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस फैमिली को आप बंद कर दिए कि इनके घूमने का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, ये दिन को आप इस पिंजरे में बंद रहेंगे, ठीक है जी। तो इनको पानी वगैरह डाल दिया है, ये पी रही है मुर्गी, अभी ये घूम फिर के थके हैं जी, इन सबको अभी बंद करते हैं जी वापस। अभी घर से पैगाम आ गया कि नाश्ता जो है वो तैयार हो गया, तो इनको बंद करके अभी नाश्ते करते हैं, तो फिर अपना रिक्शा निकालते हैं और जाते हैं अपने काम पे। जी अभी 10 हो गए हैं, तो अभी मैं नाश्ता करने लगूँ जी। तमाम दोस्तों को दोबारा चैनल में खुश आमदीद कहते हैं जी। तो जुम्मा था, जुम्मे की तैयारी की, फिर अभी रिक्शे की एक बुकिंग लगी और अभी सवारियाँ लेके आए हूँ, और साथ रिक्शे में बैठ के बहुत इंजॉय किया है जी। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये पड़े हैं जी चने, ये मैंने सारे कर दिए हैं ख़त्म, और हाँ, और ये है जी बोतल, ये इनकी नेकी है जी जो उन्होंने पानी दिया, और बैठ बैठ के पानी भी पी रही है जी, साथ बोतल भी पी है और चने भी खाए हैं। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं जी सवारियों का, वो आए तो उनको वापस अपने मकाम तक छोड़ दें। तो एक दफ़ा फिर दोबारा आपको चैनल में खुश आमदीद कहते हैं जी, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लिप में। अभी शाम के तकरीबन 5 बज गए हैं, बस अभी वापसी हुई है, अभी कुछ खाना खाते हैं दिन का, बहुत मजदूरी कर ली, अभी सर दर्द कर रहा है। हाँ जी अभी आए हैं जी, अभी जी मैं वापस, और इनके लिए ये देखें लोगों के लिए सारा राशन ले आए हैं और इनको डालते हैं जी। अभी जी मैं जो ही दाखिल हूँ तो सीजर बैठा हुआ है, सीजर से बातचीत करते हैं। सीजर क्या कर रहे हो? ये हमारा सीजर है जी। हेलो, ओए 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 बाय बाय सीजर। बंटू नाश्ते के इंतज़ार में है भाई, नाश्ता डाले चोर डाला हुआ है, सब डालते हैं जी। जी अभी इशा की नमाज जो उनसे है वो अदा की है, और अभी तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। वीडियो को अब यहाँ एंड करते हैं, और अब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, रिजवान अली की सब्सक्राइब करें, और एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए दोस्तों अल्लाह नेकबान।